भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति द्वारा विधानसभा चुनाव के 21 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 21 नाम की घोषणा के साथ ही भाजपा ने चुनावी शंखनाद कर जीत को और एक कदम बढ़ा लिया है। भाजपा ने युवाओं महिलाओं के साथ अनुभवी नेतृत्व को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की वादा खिलाफी से त्रस्त हो चुकी है और भाजपा की तरफ विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ का राजनीतिक माहौल बदल गया है। उन्होंने ये भी कहा कि 2008 में विजय बघेल ने भूपेश बघेल को हराया था और लोकसभा चुनाव में भी विजय बघेल को पाटन विधानसभा में बढ़त मिली थी। निश्चित रूप में भारतीय जनता पार्टी पाटन से जीतेगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है और पूरी गंभीरता से चुनाव लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 21 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है। इस सूची पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें नए और युवा चेहरे हैं, तो महिलाएं भी हैं और अनुभवी नेता भी हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा चयन 21 प्रत्याशियों का किया है। इन सभी प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और जिस संकल्प के साथ हम आज चुनाव के मैदान में हैं कि छत्तीसगढ़ में राज्य की अन्यायी अत्याचारी भ्रष्टाचारी वादा खिलाफी करने वाली भूपेश बघेल की सरकार से छत्तीसगढ़ की जनता को मुक्ति दिलाएंगे, उस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में ये 21 प्रत्याशियों की सूची निश्चित रूप से मददगार होगी। वास्तव में लगातार दो विधानसभा चुनाव में पार्टी जिन विधानसभाओं को जीत नहीं पाई है किसी न किसी कारण से, उन सीटों को प्राथमिकता से पहली घोषित सूची में लिया गया है ताकि हमारे प्रत्याशियों को अधिक समय जनता के बीच जाने का, चुनाव प्रचार का मिले और जनता के बीच जाकर आशीर्वाद प्राप्त करें और वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराए। इसलिए बहुत पहले पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है। निश्चित रूप से इन सभी प्रत्याशियों को जनता का आशीर्वाद मिलेगा। देखिए, जहां तक पाटन विधानसभा का प्रश्न है, 2008 में विजय बघेल जी ने भूपेश बघेल जी को उस विधानसभा में हराया था और लोकसभा चुनाव में भी उस विधानसभा में विजय बघेल जी को बढ़त मिली थी, तो निश्चित रूप से पाटन की विधानसभा भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।